आप हज के लिए पैदल निकल पड़े, आप कैसे इरादा बनाए? आज़ाद जिया नाम है फरुखाबाद से, फरुखाबाद यूपी इंडिया की मक्का मदीना इंशाल्लाह। उनको आपने हज के लिए इरादा बनाया अचानक से, कब से तैयारी की थी? तकरीबन 9 महीने हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, पूरा करने गए थे कैसे इरादा। अच्छा, आप हज के लिए आप जा रहे हैं, पर डे कितना सफ़र करेंगे? ये रहेगा 40-45 किलोमीटर पर डे। कितना किलोमीटर पड़ेगा ये आपका? 8736 लगभग तकरीबन पड़ेगा। आज साथ में डॉक्टर आजाद भाई के गांव के कुछ लोग हैं और उनके रिश्ते में बहनों ही लगते हैं, वो है सर, क्या नाम आपका? मां कमालुद्दीन। परिचय? हम सीबू गाँव भड़ौसे। अभी आपके गाँव से 5 अगस्त 2024 को एक भाई जो है हज के लिए निकले हैं पैदल यात्रा पे, जिनका नाम डॉक्टर आजाद मियां है, ऐसा कुछ बोलते हैं? आजाद मियां। आजाद मियां, आजाद 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 बिया, आजाद बिया। अच्छा, बिया। जैसे कि मैं जानना ये चाहता था कि इनके घर में कौन कौन है? 5 भाई हैं जो हज पे जा रहे हैं, वो छोटे लास्ट वाले छोटे भाई हैं जो हज पे जा रहे हैं। पापा इनके हैं नहीं, पापा खत्म हो गए हैं, अम्मी इनकी मौजूद है, 2 बहन है और ये खुद का मेडिकल है, खुद के डॉक्टर है। और जो इन्हें मन बना लिया 1 साल से पहले, 8 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोड डेली आते जाते हैं, चमड़ा वो गाड़ी भड़ो से रोड डेली, और कल 5 तारीख को ये निकले हैं हज पे। सीधा रोड दिल्ली के दिया है, बुलंदशहर अलीगढ़ एटा भोगांव मैनपुरी सीधे सीधा गया। एक दिन में कितने किलोमीटर तक? 25 किलो या 30 किलोमीटर, कितना चलने पड़ेगा? 25-30 सही है वो नंबर बताए, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर जो जा रहे हैं हज पे वो बता रहे हैं खुद 25-30 किलोमीटर वो चलूंगा, लगभग 25-30 किलोमीटर तक। उसके बाद मतलब चाहे मस्जिद वगैरह उसमें रुक जाएंगे? हाँ, रुक जाएंगे। और दिल्ली आएंगे हमारे पास घर पे, वहाँ मेरा स्टाफ है घर पे, एक दिन हमारे घर पे रुकेंगे। जैसे कि अभी इनके अंदर कैसे ये जिज्ञासा जागी एकदम से पैदल जाने की? दो बार ये उमरा करने गए हैं, 2 बार ये उमरा करके आए हैं, वहाँ जाके इन्होंने कुछ देखा है, इनके दिल से तुरंत निकला मैं पैदल हज यात्रा करूंगा। मैं इनसे दिल से तुरंत आवाज इनकी निकली है, उन्हें उस दिन से इनका दिमाग एकदम वैसा हो गया हज के लिए। घर में इनके भाई लोग क्या करते हैं? भाई इनके 2 मम्मी रहते हैं, और छोटा वाला भाई मेडिकल घर पे जा रहे हैं, वो मेडिकल चलाए डॉक्टर हैं, और बड़े भाई इनसे वाले हैं वो घर में रहते हैं, वो खेती वगैरह कुछ काम करते हैं। और जो सुना है कि जज्बा हो तो कोई चीज बड़ी नहीं होती है, आपको जानकारी के लिए बताएं कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद के एक गाँव भड़ौसा के आजाद भैया ने ऐसा ही कुछ एक जज्बा दिखाया है। यह जज्बा पैदल हज यात्रा का है। आपको जानकारी के लिए बता दें, पैदल हज यात्रा की दूरी 8736 किलोमीटर की है, और इसमें इस पैदल हज यात्रा में अगर समय की बात की जाए तो समय करीबन 10 से लेकर के 12 महीने लग सकते हैं। आजाद भैया फरुखाबाद के जरारी भड़ौसे के रहने वाले हैं। यह भाई 5 अगस्त 2024 को अपने घर से छिबरामऊ के लिए रवाना हुए। छिबरामऊ सुबह 6 अगस्त 6 बजे निकल कर सीधा बेबर पहुंचे। उन्होंने बेबर में रात गुजारी। उसके बाद यहां से सीधा 7 अगस्त को अब इनका दूसरा जो स्टाप है, आज रात 7 अगस्त 2024 को यह कुरावली में बिताएंगे। उन्होंने बताया कि आज की रात 7 अगस्त 2024 को वो कुरावली में बिताएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पैदल हज यात्रा करने की ठानी। और आपको बात बताऊं कि इस समय जहां पर भी आज़ाद भैया जी पहुंचते हैं वहां पर लोग इनका स्वागत फूल मालाओं के साथ करते हैं, और अभी इनके साथ बहुत सारी तादाद में लोग इनके दर्शन मतलब इनके दीदार और इनके साथ चलने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी रहती है। लोग जो हैं काफ़ी दूर दूर तक इनको साथ चलने के लिए तैयार हैं। बताया गया कि ये यहाँ से सीधा कुरावली से सीधा
एटा, एटा से सीधा अलीगढ़, अलीगढ़ से सीधा दिल्ली, दिल्ली से सीधा राजस्थान, राजस्थान राजस्थान के बाद जाएंगे आप उस भागा बॉर्डर तक, जो है काफ़ी लोग इनके साथ जाने के लिए तैयार है। और इन्होंने ये ऐसे ही नहीं, इसकी तैयारी जो है हज की तैयारी उन्होंने जो है लगभग लगभग आज से 8 महीने पहले करना। जब आज़ाद भैया से बात की तो आज़ाद भैया ने बताया कि लगातार आज 8 महीने से वह रोज़ अपने गांव भड़ौसे से छिबरामऊ तक की दूरी पैदल तय करते थे, कंटिन्यू 8 महीने से, ताकि उनको डेली डेली का सफ़र जो है लगभग 30 से 40 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत ना हो। ये आप लोग जो है भीड़ देख रहे हो, यह भीड़ आज़ाद भैया के लिए है। एक और सयाब भाई की तरह ये भाई जो हैं फरखाबाद के पहले ऐसे शख्स होंगे कि फरखाबाद ज़िले में उन्होंने एक मिसाइल कायम की है। फरखाबाद ज़िला का एक ऐसा शख्स जो कि 8736 किलोमीटर पैदल हज यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। अब ये इन्होंने बताया कि इस समय जो है इनका जो है इनके साथ में जो लोग चल रहे हैं, इनके साथ लगभग इनके भाई और इनके मित्र और सभी मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम भाई भी इनके साथ जो है काफ़ी तादाद में लंबे सफ़र तक दूरी तय करेंगे और जगह जगह पर इनका स्वागत पैसों से भरे हार एवं फूल मालाओं के साथ किया जाता है। और आपको जो है एक हमारे देश का एकता का प्रतीक की मिसाल दिखाई दे रही होगी, हमारा देश हिंदुस्तान का प्रतीक चिन्ह तिरंगा इनके साथ में कई तादाद में आपको दिख रहे हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल में आज की रात में आज़ाद भैया कुरावली में बिताएंगे। ये मौका है जो भाई सयाब भाई से नहीं